दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि हम अपने जो मकान है हमारा, उसकी बाउंड्री में हम पावे किस प्रकार से लगाएं, या जो हमारा छज्जा है उसके मेन फ्रंट पर छज्जे के ऊपर जो है हम पावे किस प्रकार लगाएं ग्रिल की जगह। तो इस वीडियो में हम आपको बिल्कुल एक बहुत अच्छी ट्रिक बताएंगे जिससे आपके पावे जो है बिल्कुल सीधे लगेंगे बाउंड्री में, यानी कि बहुत से के पावे टेढ़े हो जाते हैं। तो हम इसमें वीडियो में एक ट्रिक बताएंगे, और जो नए मिस्त्री हैं, नए काम सीख रहे हैं या कभी पावे नहीं लगाए, वे भी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखें और वे इसको देखकर पावे लगाना सीख जाएंगे, क्योंकि हमने कंप्लीट बड़े ही आसान तरीके से आपको इस वीडियो में पावे लगाना सिखलाया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, हम 9 इंची दीवार पर 4 इंची में पावे लगाएंगे। ये दो रद्दे 9 इंची के हैं और ये इसके ऊपर 4 इंची है, ठीक है। आपको भी इसी प्रकार से रद्दे लगाने हैं, दो रद्दे नीचे 9 इंची के लगाने हैं और एक रद्दा उसके ऊपर 4 इंची का लगाना है। उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, एक बार हम दिखा देते हैं आपको। ये ऐसे 9 इंची दीवार है और ये हम 4 इंची में इस प्रकार इसमें रद्दे लगाएंगे। तो आप देख रहे हैं उधर भी हमने एक 4 इंची पर जो है सूत बांध दिया है, आप देख रहे हैं सामने, बिल्कुल 4 इंची पे हमने सूत बांध रखा है। और अब हम दूसरी साइड में भी सूत बांध देंगे। दूसरी साइड में सूत बांधने के लिए हम 9 इंची के बीचों बीच मसाला फैला लेंगे और जो रद्दा है वो भी 9 इंची के हमें बीचों बीच लगाना है। अच्छी तरीके से हम इस रद्दे को लगाएंगे, एक ईंट हम रख लेंगे और उसके बाद इस एक ईंट पर दोनों साइड का हम लेवल ले लेंगे पहले, क्योंकि इस रद्दे का लेवल करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम इस रद्दे का लेवल नहीं करेंगे तो जो है हमारा रद्दा ऊपर नीचे होने की वजह से हमारा जो पाए हैं वे बेकार लगेंगे, गलत लगेंगे, यानी दीवार नीचे को भागी हुई लगेगी और पावे दूसरी साइड को भागते हुए नज़र आएंगे। इसलिए इस रद्दे का जो है 4 इंची का जो हम रद्दा लगाएंगे इसका लेवल कर लेना है। लेवल करने का अपना अपना तरीका है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि लेवल करते समय दोनों साइड पानी वाटर लेवल बिल्कुल सेम बराबर हो, जिस प्रकार से इसमें हमने कर लिया है। वाटर लेवल करने के बाद दोस्तों आपको सूत बांध लेना है रद्दे पर, और सूत को जो है थोड़ा टाइट बांधे, लूज ना छोड़े, अच्छे तरीके से सूत बांध लेंगे। और फिर फटाफट चलिए दोस्तों हम रद्दा ये कंप्लीट कर लेंगे। सूत में लगाना है जो है आपको ईंट ऊपर नीचे सूत से नहीं जाने देनी है, बिल्कुल सेम लेवल में लगाना है। दोस्तों जब तक ये रद्दा हम कंप्लीट करते हैं तब तक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली अगली जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। और जो पुराने व्यूवर्स हैं या नए व्यूवर्स हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि यार इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। दोस्तों अगर आपको हमें कोई सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों जब आपका रद्दा फाइनल हो जाए, इस तरीके से आपको मसाला लगा लेना है जहाँ झीरी रहती है, और दोनों साइड से मसाला हटा लेना है। अब आप देख सकते हैं कि हमने रद्दा जो लगाया है लेवल में बिल्कुल एकदम सटीक और बहुत ही खूबसूरत रद्दा हमारा ये दिख रहा है, और ये बिल्कुल लेवल में है, यानी कि दोनों साइड बिल्कुल लेवल में है इसकी, जहाँ सूत बंध रहा है दोनों साइड। इसके बाद दोस्तों आपको प्लास्टर वाली फंटी ले लेनी है और इस प्रकार से लगा लेनी है, यानी कि जो रद्दा हमने लगाया है इस प्रकार से फंटी उसके पास लगाएंगे, और जितना मोटाई में हम दीवार पर प्लास्टर करते हैं उतनी मोटाई में हम इस रद्दे के ऊपर प्लास्टर चढ़ा लेंगे, जिससे हमारे पावे जमने में आसानी हो जाए। और ठीक इसी प्रकार से आपको पूरे रद्दे के ऊपर प्लास्टर कर लेना है, जिस प्रकार से अभी दिखाया है। दोस्तों अब बारी आती है पावा लगाने की। पावा लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो काम करना है, एक पावा ले लेंगे और एक सींक ले लेंगे, झाड़ू की या बुहारी हमारे यहाँ कहते हैं, झाड़ू कहते हैं। इस प्रकार से आपको सींक लेनी है और जो आपका पावा है उसका इस प्रकार से आपको नाप ले लेना है, यानी कि जितना पावे का हिस्सा है, टॉप है, उसके बराबर हम यहाँ से सींक को इस प्रकार से तोड़ लेंगे। दो सींक ऐसी प्रकार से हम ले लेंगे,
एक ये हो गई और एक सींक हम और ले लेंगे इसी साइज की बिल्कुल सेम। दूसरे नंबर पर दोस्तों आपको करना क्या है, जो हमने सींक अभी बनाई है नापने के लिए, उसमें से एक सींक को लेना है और इस प्रकार से पावे की जड़ में यहाँ पे रखना है और ठीक उसी से सटाकर हमें इस पावे को रखना है इस प्रकार से। यानी कि हमारा ये नापने का एक तरीके का जुगाड़ है, या कैंडा हम इसको बोल सकते हैं। ये सफ़ेद कलर का पावा दोस्तों खड़ा करने के बाद हमें इस पाए को दो साइड से साहुल में करना है। एक इस तरफ से हम साहुल में कर लेंगे पहले, और फिर आगे से इस पाए को हम साहुल में कर लेंगे ठीक इसी प्रकार से जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं। पाए का साहुल करने में दोस्तों आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल ध्यान से और बिल्कुल आराम से आपको इस पाए का साहुल करना है। और जो 4 इंची हमारा रद्दा है उसमें चकोर स्थिति में इसको ऐसे रखना है ठीक है। और अब हम दूसरी साइड में भी, उधर जहां आप देख पा रहे हैं उधर भी हम एक पाया ठीक इसी प्रकार से लगाएंगे जिस प्रकार से हमने इस साइड में लगाया है। उधर पहले एक सींक रखेंगे, फिर पाए को हम इस प्रकार से रखेंगे बिल्कुल सीधा, जिससे कि हमारा ये पाया सूत में भी आ जाए। और इस पाए को भी हमें साहुल कर लेना है जिस प्रकार से हमने ये पावा साहुल में किया था। जो पाया हमने साहुल में किया है उसके निचले हिस्से में हमें इस प्रकार से सूत बांधना है जिस प्रकार से आप देख रहे हैं। जिस तरफ आपको सफाई रखनी है दोस्तों सूत उस तरफ बांधें। दोस्तों अब जो हमारा दूसरी साइड का पावा है उस पे भी हम सूत बांध लेंगे निचली तरफ, जिस तरीके से इस वीडियो में दिखाया गया है। दोस्तों नीचे का सूत बांधने के बाद इस प्रकार से हम ईंट लपेट के रख देंगे, जिससे कि हमारा नीचे का सूत जो है खुले ना ठीक है। और फिर हमें इसके ऊपर सूत बांधना है, पाए के जो ऊपरला हिस्सा है हमें इसमें सूत बांधना है। ध्यान रहे कि दोस्तों पावा हिले ना सूत बांधते समय, बिल्कुल धीरे धीरे सूत को हल्के हाथ से बांधना है। दूसरी साइड में भी हम इसी प्रकार से पाए का जो ऊपरला हिस्सा है सफ़ेद पाए का, उस पे हम सूत बांध लेंगे। दोस्तों जब हमारा सूत बांधकर तैयार हो जाए उसके बाद आपको करना क्या है, सींक लेंगे और यहाँ इस प्रकार से रखेंगे और फिर पाए को रख देंगे। सूत में रखना है पाए को बिल्कुल जिस प्रकार से हम चिनाई करते समय ईंट को सूत में रखते हैं, और ये दूसरी जो सींक है उस प्रकार से दोनों पाए के बीच में इस तरीके से फंसाएंगे, लूज रहे, दूसरा पावा ना हिले। और इस प्रकार से बसोली से ठोक करके हम इसको जो है सूत में और इस कंडे है बिल्कुल लेवल में कर लेंगे। अब साउल लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये कंडा जो है साउल का काम करेगा, और एक तरफ जो हमने सूत बांध रखा है ये भी साउल का काम हमारा ही करेगा। बड़े ध्यान के साथ धीरे धीरे ही ये आपको लगाना है, आप नज़दीक से देख सकते हैं इस तरह लूज रखनी है ये ठीक है। अब आगे करना क्या है, उस सींक को उठाना है और इस प्रकार आगे रखना है, और फिर पावे को रखेंगे इस प्रकार से सूत में बिल्कुल आराम से करना है। पावा रखते समय दोस्तों सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है कि पावा सूत में रहे, और जो हम पावा सेट अगला कर रहे हैं इससे पिछले वाला जो पावा है वो ना हिले, और ध्यान से सूत में और सींक में थोड़ा टच होना चाहिए पिछले पावे में, बस हल्का सा लूज रहे। इस तरीके से हम पावे सेट कर लेंगे ठीक इसी प्रकार से। पावा उठाना है, पहले हम सींक रखेंगे और फिर हम पावा रखेंगे इस प्रकार से, और जो सींक है दूसरे वाली उसको हम ऊपर लगाएंगे नापने के लिए ठीक इसी प्रकार से, और इसको भी सेट कर लेंगे। दोस्तों इसी प्रकार से हम पावा उठाएंगे और लगाएंगे। आपको जितने भी पावे हैं आपके वे सभी पावे इसी प्रकार से लगा लेने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि बीच बीच में 4-5 पावे लगाने के बाद आपको साहुल कर लेना है ठीक इस प्रकार से। 4-5 पावे लगाने के बाद साहुल करने का बेनिफिट ये रहेगा कि अगर पावों में थोड़ा बहुत फर्क आएगा तो वो साथ के साथ ठीक हो जाएगा, नहीं तो पावे टेढ़े होने लगते हैं। इसीलिए 4-5 पावों के बाद साहुल ज़रूर लगाएं। दोस्तों सभी पावे आपको लगा लेने हैं इसी प्रकार से।
आप देख सकते हैं कि कितने बेहतरीन तरीके से पावे हमारे दिख रहे हैं। अगर आप भी मेरे बताए हुए तरीके से पावे लगाएंगे तो आपके भी पावे ठीक इसी प्रकार से दिखेंगे, बिल्कुल एक सटीक लेवल में हमारे लगे हुए हैं, ना आगे है ना पीछे है। आप देख रहे हैं कितने खूबसूरत हमारे पावे खड़े हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि इन पे रद्दा किस प्रकार से जोड़ना है। रद्दा जोड़ने में कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होती है, कन्फ्यूजन की कोई बात नहीं है, आप मेरा बताया हुआ तरीका फॉलो करते रहें बिल्कुल जैसे मैं आपको बताता हूँ, तो आप बिल्कुल बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से रद्दा फटाफट जोड़ देंगे कुछ ही मिनटों में। तो वीडियो में बने रहे, साथ ही देखते रहे कि किस प्रकार से इस रद्दे को जोड़ना है। तो दोस्तों जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, इस प्रकार से आपको ईंट रख लेनी है, पाए के बिल्कुल बीचों बीच ये ईंट रखनी है, यानी कि पाया ही ईंट के बिल्कुल बीचों बीच रखना है। और इस प्रकार से हम सोल लगा लेंगे। सोल लगाने के बाद दोस्तों हम इस पे जो है अपना सूत भी बांध देंगे साथ के साथ में। और ठीक इसी प्रकार से दोस्तों हमें दूसरे साइड में भी सूत बांध लेना है, जिस प्रकार से हमने उधर बांधा था, और टाइट बांध लेंगे, सूत को ढीला नहीं छोड़ना है। रद्दा जोड़ते समय दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो पाए हैं इनके ऊपर भी थोड़ा थोड़ा मसाला लगाना है, ज़्यादा मोटाई में मसाला नहीं लगाना है। जिस प्रकार से हमने इन पाओ पर मसाला लगाया, इसी प्रकार से आपको भी मसाला लगा लेना है। और ईंट के अद्धे पौने नहीं लगाने हैं, ठीक इसी प्रकार से एक लेवल में कोई दिक्कत नहीं है, ईंट लगाते चले जाइए, पौने की कोई आवश्यकता नहीं है। और केवल ईंटों से ही आप इस रद्दे को पूरा कंप्लीट कर लेंगे। पाओ के ऊपर थोड़ा थोड़ा मसाला लगाते रहना है और ईंट लगाते रहना है, इसी प्रकार से आप पूरा जो है रद्दा अपना कंप्लीट कर लेंगे। आप देख सकते हैं दोस्तों हमने रद्दा पूरा कंप्लीट कर लिया है, और पूरे रद्दे में हमने जो है ईंट ही लगाई है, कहीं अद्धा पौना नहीं लगाया है। इसी प्रकार से आप पूरा रद्दा जो है ईंट का लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं, मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं कि हमारा रद्दा कितना साफ़ सुथरा लगा हुआ है, बिल्कुल सीधा एकदम। अब पाओ को मजबूती देने के लिए दोस्तों रद्दे के ऊपर हम एक चार सूत का सरिया डाल लेंगे। सरिया डालने के बाद हम इस रद्दे के ऊपर इस प्रकार से एक DPC भी डाल देंगे, और हमारे पावे बिल्कुल मजबूत हो जाएंगे। इस प्रकार से आप देख सकते हैं हमने DPC लगाई है। DPC लगाने के बाद दोस्तों इस DPC के ऊपर आपको दो रद्दे लगाने हैं, या तो आप सीधे ऐसे ही दो रद्दे लगाएंगे जैसे 4 इंची के लगे हुए हैं, या इस पे आप ऐसी इस तरीके से जिस तरीके से मैं निकाल रहा हूँ इस तरीके से आप जो है कोर निकाल सकते हैं। आप इसमें टेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और जो ईंट हमारी है इन ईंटों का भी आप उपयोग कर सकते हैं कोर निकालने के लिए। आप देख सकते हैं मैं टेल से कोर निकाल रहा हूँ, मैं टेल के दो रद्दे इसके ऊपर लगाऊंगा तो हमारी जो है दो कोर निकल जाएंगी। आप ईंट का भी इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं कोर निकालने के लिए। दोस्तों आप रद्दा टेल का लगाए या फिर ईंट का, जिस प्रकार से मैं ये टेल लगा रहा हूँ आपको ठीक इसी प्रकार से फेंट लगा करके रद्दा लगाना है, चाहे आप ईंट लगाए या टेल, ठीक इसी प्रकार से आपको जो है ईंटें लगानी है जिस प्रकार से मैं चिपका रहा हूँ। और दोस्तों जो दूसरा रद्दा लगेगा वो ठीक इसके ऊपर रद्दा लगेगा, और दूसरा रद्दा भी आपको इसी प्रकार से फेंट लगा के लगाना है। दूसरा रद्दा जो हम लगाएंगे कोर निकालने के लिए 2 इंची आगे को लगाएंगे, जिधर सूत निकला है लगा हुआ है तो सूत की साइड में 2 इंची हम इनको खिसकाएंगे, और जो पीछे 2 इंची जगह बचेगी उसमें हम मसाला लगा देंगे। इस प्रकार से हमारी दो कोर बन करके तैयार हो जाएगी।